फाइनली बड़ी मेहनत रात से लगे हुए थे, बंदा जो है ट्राउट पकड़ रहा है और ये असलम के हाथ में ट्राउट आ गई है। ट्राउट पकड़ लिए, ये देखें ट्राउट, फाइनली वी गॉट अ ट्राउट। और कोशिश कर रहे हैं, अभी जाल डाल रहे हैं, वो देखें बारिश हो रही है इस वक्त। और ये देखें, ये निकाल रहे हैं जाल, उम्मीद है कि कुछ और ट्राउट भी मिल जाएंगे। हो गया बेटा भैया, होगा कुटुम कुटी होगी। गाली बोले आपको, गोली गोली चल रही है। चीते बनाए पटाने के, पटाने बस निकालते के बंदूक निकालते, लंड कुछ निकाल रहे, पत्थर उठा दे फेंकते थे बैठ जो कुछ मार रहे। वो बेचारा बाइक वाला शॉट हो गया पीछे, बाइक वाला हट गया। अरे वो भी फिर लड़ाई वाले वाले बच्चे मार लिए पड़ते हैं। मिला बोले हाँ हाँ, भाई बड़े मलिक का बेटा है वो। फाइनली मलिक साहब के बेटे ने लड़ाई सुलह करा दी, नहीं हुई स्टिल। 5 बज गए हम लोग वहाँ से, खड़खड़ी लेक से निकले, बड़ा किस अच्छे किस्म के चपली कबाब खाए और साथ में सादत भाई ने जो है वो ट्राउट बनाई। उस ट्राउट की रेसिपी को देखने के लिए सादत भाई की चैनल पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने उसको कवर नहीं किया। अब यहाँ से प्रोग्राम इस बिल्कुल चेंज, बहुत ज़बर किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का वेदर हो गया है, बारिश हो रही है, सब कुछ है। हम यहाँ से अब कुमराट नहीं जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड कश्मीर। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वी डोंट नो, लेकिन प्लान देखें अब क्या बनता है। तो स्टे ट्यून विद अस और देखते रहिएगा और फिर देखते हैं कि अब हम निकल के कहाँ जा रहे हैं। तो इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। थैंक यू, इट्स टाइम टू से गुड बाय गुबराल, और हमारे साथ हमारी बहुत खिदमत करी, हम सब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई। और इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी में मुलाकात होगी। गाड़ी रेडी है, असलम जो है गेट खोल रहा है और हम यहाँ से निकल रहे हैं शायद कश्मीर। लेट्स गो।
तो ओके जी, ये था चौथे दिन का सफ़र, यानी कि हमारे कराची टू कश्मीर वाया सवात का चौथे दिन का एंड। यहाँ पर चौथे दिन की जो टोटल आपने तीनों पार्ट देखे उसका छोटा सा कंक्लूजन कर देता हूँ, और अगर आपने नहीं देखे हैं पार्ट्स तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको तमाम डेज के पार्ट अपडेट होके मिलते रहेंगे। एज यू नो, शाहीबाग के अंदर हमारी जो जीप स्टक हो गई थी, उसके बाद असलम भाई वहाँ के लोकल मिले हमें, और वो लोकल जो है उनके गांव वालों ने मिलकर जीप को निकाला और उन्होंने कहा इतनी रात हो गई है आप कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे पास स्टे कर जाएं। तो हम वहाँ पे स्टे कर गए और रात को रुके, और सुबह जो रात को जो उन्होंने वो शेफ सादत को लगा दिया जी के ट्राउट फिश पकड़ के खिलाएंगे, और हुआ ये सीन के रात को बड़ी कोशिश करी लेकिन ट्राउट फिश ना मिली, और अगले दिन प्रोग्राम बना खड़खड़ी लेक जाने का। अच्छा, बाद में अंदाज़ा हुआ कि इसको खड़खड़ी लेक क्यों कहते हैं, रीज़न इज़ दैट कि जो भी गाड़ी वहाँ तक जाती है उसमें से खड़खड़ यानी खड़खड़ की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, इसलिए उसका नाम। और वाकई वो सफ़र जो था वो इसी तरह का था, वो रास्ता, वो चीज़ें, वो जो कुछ, लेकिन जो सीनरी आ रही थी, जो सिनेरियो आ रहा था, इट वॉज ऑसम, बहुत ज़बरदस्त। हम जो चीज़ चाह रहे थे रश से बचने के लिए वो हमें यहाँ पे मिली। वापस हम आए और फाइनली असलम भाई के दोस्त ने एक अदर ट्राउट फिश पकड़ के हमें दे ही दी। उसके बाद वो हमें ले गए स्पेशली गबराल जो विलेज है उसके अंदर मशहूर कबाब जो है वो खिलाने के लिए, और वो कहते हैं चपली कबाब है, इट वॉज नॉट चपली कबाब, लेकिन कबाब थे, बेहतर थे। चपली कबाब का डिफरेंट टेस्ट होता है, लेकिन जाहिर सी बात है वो इनके इलाके का बेस्ट था, इसलिए उसको वो बेस्ट कह रहे थे। तो चपली कबाब खाई, और उसके बाद जो है वो मौसम काफ़ी ख़तरनाक हो रहा था, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें आगे मूव करना है, और शेफ सादत ने प्रोग्राम बना दिया कि वी हैव टू गो कश्मीर, और कश्मीर जाना ही जाना है। तो उसी रात हमने असलम भाई को खैरबाद कहा, उनके मेहमान नवाजी का तहे दिल से बहुत शुक्रिया, और वाकई मज़ा आ गया वहाँ रह के, वहाँ के खाने खा के, वहाँ की चीज़ें घूम फिर के, और वापसी का सफ़र हमने वहाँ से निकले। और नॉन स्टॉप जो रात की ड्राइव थी वो बिल्कुल ऐसी थी कि मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सका, और सुबह 3 बजे या 4 बजे के करीब जो है हम बालाकोट में पाइनवुड होटल में पहुँचे हैं, वहाँ सोए हैं, और सोने के बाद क्या हुआ है ये Day 5 की पार्ट के अंदर मिलेगा। तो अब तक अगर मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं आपको और आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है और किसी वजह से आपने देख लिए, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिएगा। प्रीवियस पार्ट अगर देखेंगे तो आपको स्टोरी पता लग जाएगी बेसिकली हो क्या रहा है, और साथ में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो मेरी तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और साथ में मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स आ रहे होंगे तो उसको पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर इंटरेस्टेड हैं शॉर्ट वीडियोस देखने में तो स्नेक वीडियो पे मेरी आईडी है जानी खान के नाम से, वहाँ पे कुछ ना कुछ मैं अपडेट करता रहूँ, क्योंकि सोशल मीडिया में इस वक्त स्नेक और टिकटॉक भी इन हो गया है, तो ये सब भी कर रहा हूँ। साथ में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं और प्रोजेक्ट्स पर भी काम हो रहा है, यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेंगी। Day 4 के मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट डे में नेक्स्ट पार्ट में हमारी सुबह होती है बालाकोट से। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।